नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। इस गणेश चतुर्थी आपके सारे विघ्नहर्ता हर लें, बस यही प्रार्थना है। बाकी भैया फिर से भाई कहूंगा, त्योहार आते जाते रहेंगे लेकिन हमें अपने ऊपर स्वयं पर ध्यान देना है। गणपति बाप्पा तो यही है हमारे दिलों में, बाकी भाई अपने ऊपर ध्यान दे लो। ये समय जो अगर बीत गया भाई, त्योहार तो आ जाएगा, अभी जाए अगले साल, फिर त्योहार कहीं नहीं जा रहे, लेकिन ये जो समय हमारा कीमती समय जो व्यर्थ हो रहा है भैया, संभाल जाओ। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप अच्छे से जानते हैं। तो भैया हस्त मैथुन करने का मन करता है, और जब हम हस्त मैथुन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। हमें बहुत ज्यादा टेंशन है लाइफ में, परेशानियां हैं, स्टडी को लेके टेंशन में रहते हैं, पढ़ाई को लेके, पेपर को लेके लेके एग्जाम को लेके, कोई अपने बिजनेस को लेके, कोई जैसी जिसकी परिस्थिति है। अब खुद को अगर थोड़ा सा सुकून देना चाहें, खुद को थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार मुझे ये चीज देख के ही मजा मिलेगा, यही देखकर ही सुकून मिलेगा, और मेरे को जो टेंशन है, बाहर में किसी से लड़ाई करके आया, किसी से झगड़ा करके आया, या इस दुनिया में कोई मेरी सुनता ही नहीं है, बाहर सिर्फ टेंशन ही टेंशन है, बस बकवास बातें हो रही हैं, या मतलब ऐसे हो गए कि बाहर हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हम तो घर घुसे ही अच्छे हैं, बाहर हमें कोई सुकून नहीं मिल रहा है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है बाहर। अब हम ऐसे में एक जगह कि भैया कैसे अपने आप का एक मतलब एक एक रिलैक्सेशन, एक रिलैक्स ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, आहा हा मजा आ गया, तो वो है हस्त मैथुन। जी हाँ, हमारे बहुत से भाइयों के साथ यही हो रहा है, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, मेरे भी देख लिए, बहुत सारे चैनल्स के वीडियो देख लिए, मतलब उन्हें जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिल पा रहा है, वो सुकून सिर्फ हस्त मैथुन मास्टरबेशन में ही मिलता है। और आपके साथ भी यही हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से भाइयों के साथ कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, हमने पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करा, अब दिमाग ऐसा चढ़ गया है एकदम, सर ऐसा भारी सा हो रहा है, सर दुख रहा है, या जीवन में कोई परेशानी है, या कोई बिजनेस में किसी की परेशानी है, बाहर उस व्यक्ति की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, अब वो अपने आप को प्लेजर देना चाहता है, अपने आप को सुकून देना चाहता है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है, वो एंजाइटी है उसे, उसे डिप्रेशन है, उसे टेंशन है, अब वो रात में या कभी भी उसको जब थोड़ा सा खाली समय मिलता है, जब वो अकेला होता है, तो तुरंत मोबाइल खोल लेता है और उसमें जाता है और देख लेता है, और उसको देख के और वीर नाश करने के बाद वो पाता है कि उसको बहुत ज्यादा एक मतलब उसे ऐसा प्लेजर मिल रहा है, बहुत खुशी मिली, और बहुत मतलब वीर निकालने के बाद बहुत सुकून सा मिल रहा है। अब धीरे से उसके दिमाग में बात आएगी, अरे यार फिर वीर नाश कर दिया, फिर ब्रह्मचर्य टूट गया, एक पहला पॉइंट। दूसरा, कहीं ना कहीं उसको वो कहेगा कि हाँ मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, अब कमजोरी सी लग रही है वीर निकालने के बाद, अब जाकर सो जाता हूं। ये हमारे बहुत से भाइयों के साथ होता है। अब उनके दिमाग में यही आता है कि चलो हमने 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, हमें ऊर्जा की अनुभूति भी हुई, हमें लग रहा है कि इसमें फायदा है, लेकिन भैया फिर थोड़े दिन बाद ही मन में लगता है कि यार कुछ मिस हो रहा है, कुछ छूट रहा है, वो मजा जा रहा है हमसे, वो मजा हमें वापस चाहिए, वो हस्त मैथुन का मजा हमें वापस चाहिए, वो हम जानते हैं कि ये करने के बाद गिल्ट होगा लेकिन वो चाहिए। तब हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में क्या करें, हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में हैं, हमें तरह की ओसीडी है, हम बिल्कुल परेशान घूम रहे हैं, बाहर लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। अब वीडियो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो क्या है ना, अभी ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, अब ये कहां से फुदक के आया पता नहीं, ये एंजाइटी डिप्रेशन के नाम आज के समय में हम 2024 में तो सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, पल पल पे हम ये सुनते हैं, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन की गोली खा रहा है, उसे ओसीडी है, तो बहुत सी ऐसी आज 2024 में हम सुन रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं ऐसा सुना था, बहुत थोड़ा पहले हम अगर हमारे पापा या दादाजी के समय की बात करें तो आज ही ये सब पड़ गया है। लेकिन सच में क्या डिप्रेशन है, ये सच में हमें एंजाइटी है, या हमने बस सोच लिया है और बना लिया है, मेरी बात समझ रहे हो। देखो हमारी हमारी जो मुश्किलें हैं ना, हमारा हम जिस परेशानी में हैं, हमें उससे बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा अकेले ही उस परेशानी में जूझ रहे हैं, जैसे कि मास्टरबेट की आदत होना या और कोई दूसरी परेशानी, हम उससे अपने आप को बस जूझ रहे हैं, उसमें हम किसी से पूछ नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, हमारे दिल की बात हम किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में व्यक्ति अंदर अंदर घुट रहा होता है, वही चीजें सोच रहा होता है, और कहीं ना कहीं यही फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी, ये भविष्य की चिंता, ये बीते हुए कल की चिंता, ये आने वाले समय में क्या होगा, मेरे माँ बाप के साथ क्या होगा, मेरे भाई के साथ क्या होगा, फलाने के साथ क्या होगा, फलाना क्या होगा, मेरा भविष्य क्या रहेगा, मैं कितना कमाऊंगा, मैं कैसे कमाऊंगा, मुझे लड़की कैसी मिलेगी, मेरा खुद का घर होगा कि नहीं होगा, कि किराए में मर जाऊंगा, गरीबी मर जाऊंगा, या अमीर अमीर होकर मरूंगा, बहुत सारी बातें। मेरी बात को ध्यान से समझना, और आप भी जो ये वीडियो देख रहे हैं आप उनमें से एक ही हो, क्योंकि अब ये सिचुएशन की भैया हमें कौन देगा समाधान, हमारा सोल्यूशन किसके पास है। वीडियो देख ली, वीडियो देखी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखी, बस 2 घंटे बाद फुस, 1 घंटे बाद फुस हो गया, सब भूल गए, फिर वही वही विचार, वही वही विचार,
यही होता है, ब्रह्मचर्य की वीडियो देखी, 1 घंटे का थोड़ा बहुत मोटिवेशन, फिर खुश हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, 1 दिन बाद खुश हो जाते हैं। कुछ भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, तो देखिए बात को समझे, ये है आपका एक अभ्यास। खासकर जब आपको ऐसा लगता है ना कि देखो मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मास्टरबेट कर लेना चाहिए, मुझे इससे एक प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी और बहुत रिलैक्स महसूस करूंगा, तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, या आपकी एक लत बनती जा रही है। जैसे कि कहते ना आप, जैसे अब वो जो नशा कर रहा है, शराब वगैरह पी रहा है, वो रोज जा रहा है शराब पी रहा है, उसे लगता है कि मैं पीने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं वो शराब पीने के बाद उसे सुकून नहीं मिलता, वो धीरे 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 और गड्ढे में धंसता जा रहा है। कोई बड़ी बीमारी के संकेत है, कोई बड़ी बीमारी उसे होने वाली है, आप समझना मेरी बात को, ये एक स्लो पॉइजन का काम करता है। ठीक है, अब ये जो मास्टरबेट की जो आदत है, ये मास्टरबेशन जो है, अब हम सोचते हैं जब घर में, हम बहुत से भाई कमेंट ऐसे आते हैं कि भैया घर में जब अकेला होता हूं तो कुछ समझ नहीं पड़ती, मास्टरबेट कर देता हूं, 1 दिन में 4-4 बार कर रहा हूं। अब दिन भर पढ़ाई का, हमने दिन भर पढ़ाई कर ली, अब रात में थोड़ा बहुत तो इंस्टाग्राम चलाना बनता है ना, थोड़ा बहुत तो स्क्रॉलिंग करेंगे ना यार, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, कुछ कॉमेडी कुछ देख लेंगे। अब वो गए उसमें, कुछ दिख गया, अब बस उनके दिमाग में चला कि यार नहीं यार मास्टरबेट तो करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा उससे, कल से कर लूंगा ब्रह्मचर्य, वो मास्टरबेट कर देता है। अब दिक्कत देखो ऐसी मेरे भाई, आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ ये एक भ्रम है, ये एक मन की चाल है, इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज समझ के चलो, ये जो जीवन है, ये जो हमारी लाइफ है, इसमें सुख दुख आता रहेगा, ये तुम अच्छे से समझ लो मेरे भाई, ये सुख दुख, ये कठिनाइयां, ये परेशानियां आती रहेंगी। मेरे जीवन में भी टेंशन है, परेशानियां हैं, बिल्कुल है, मैं परेशान हूं कुछ चीजों से, बहुत ज्यादा परेशान हूं, गुस्सा भी बहुत आता है, मन करता है कि सर फोड़ लूं अपना, होता है ऐसा, ये मेरे साथ भी हो रहा है, मेरी बात को समझो। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं तो मेरा जीवन मजे ही मजे हो गया, अरे वाह मजे ही मजे, ऐसा नहीं है। इस जीवन में आपको पल पल पे चुनौतियां मिलेंगी, अगर आप ये सोचते हो कि आराम से बैठ के मेरा जीवन कट जाएगा, अगर हाँ भाई, अगर आपके दादा परदादाओं के पास खूब एकड़ों की जमीन है, खूब पैसा वैसा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको लगता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, बढ़िया खूब पैसा है अपने पास, तो शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास हैं, गरीबी का सामना कर रहे हो, तो भैया परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी। मैं कौन सा कहीं का बहुत बड़ा कहीं का क्या IPS के घर का हूँ क्या, मिडिल क्लास ही हूँ भाई, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अपने लिए ये जीवन चुनौतीपूर्ण ही होने वाला है। अब ऐसे में अपने पास एक रास्ता है, या तो अपनी आदतों को बदल के, अपने आप को सत्कर्मों में लगा के, अपनी एक लक्ष्य बना के कि नहीं यार मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, ये पेपर में पास होना है, एग्जाम देना है, कुछ आगे करके दिखाना है, एक ये पकड़ लो, या फिर ये पकड़ लो कि भैया बस रोज रात में आके मास्टरबेट करना है, अकेले होना है, मास्टरबेट करना है, या तो ये पकड़ लो। क्योंकि देखो वो सिर्फ एक भ्रम है, वो एक माया जाल है, और उससे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे अगर तुम ये सोचते हो कि ये करने के बाद मुझे सुकून मिलता है। देखो हस्त मैथुन में एक मजा है, बिल्कुल हस्त मैथुन में भी एक मजा है, मजा मैं नहीं कह रहा मजा नहीं, मजा है, लेकिन ये मजा सजा है ये मजा ये सजा है, क्योंकि इसमें आप कर क्या रहे हो प्रभु, क्या कर रहे हो, कभी सोचा है, गंभीरता से विचारते हो कि कौन सी दुनिया में होते हो आप उस समय, और लगातार कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, पूरी शरीर का पूरा तुमने रस निचोड़ के रख दिया, नालियों में बहा दिया, वो नालियों में जो जा रहा है वो पापा पापा चिल्ला रहे हैं तुम्हें, भैया वो चिल्ला रहे हैं कि बाप तेरे पिताजी कर क्या रहे हो, नाली में जा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों शुक्राणु है उसमें जो तुम एक बार में निकाल रहे हो, तुम्हारे बच्चे बह रहे हैं भाई नालियों में, कर क्या रहे हो, गंभीरता से सोचना थोड़ा, आगे फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करो, देखो जब भी आप जैसे घर में अकेले हैं तो आपको अच्छे कामों में अपना ध्यान लगाना है, मन तो यही कहेगा कि चल वो देख लेते हैं, मैंने हमेशा कहा है मन आपका विरोध ही करेगा, क्योंकि मन का लगातार 5 साल 2 साल 8 साल 10 साल से अभ्यास रहा है गलत देखने का। अगर किसी व्यक्ति का पिछले 8 सालों से हर दिन वो पॉर्न और गंदे वीडियो देखते आया है, तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो मन उसके खिलाफ होगा पूरी तरीके से, मन कहेगा कि चल फिर से उसी लाइन पे आ जा, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, आपका हाथ पकड़ के मैं आपसे नहीं करवा पाऊंगा, ये मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप रात में लेटे, अरे यार पढ़ाई करके सर बहुत दुख रहा है यार, क्या यार आज उससे पंगा हो गया, उससे बात हो गई, पता नहीं पेपर में क्या होगा, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मैं फेल नहीं हो जाऊं, क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, अब कोई दिख गया मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते करते टेंशन में ओवर थिंकिंग में, कोई दिख गया, कर लूंगा ब्रह्मचर्य कर लूंगा, हाँ 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 आइटम दिख गई भैया, अब वो दिख गई, अब क्या करेंगे, अब हम अपना कबाड़ा करेंगे, अब वो जो चीज दिख गई, मन में तो यही आता है कि बोल्ड हॉट सेक्सी आइटम, यही सब सुनते आ रहे हैं दिमाग में, यही आ रहा है क्या माल है, क्या शरीर है, मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई। तो अब ये चीज देख के अब आप बस अब सीधे जाएगा उधर, वीडियो देखेगा और कर लेगा,
उसे लगेगा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे ही आदत बनती है, ऐसे ही अभ्यास बनता है। जब भी आप बिस्तर पर लेटे हैं, भले ही आपका सर दुख रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, मेरे उससे पंगा हो गया, उससे पंगा हो गया, मेरी बाहर वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो भाई अपना सवाल पूछना कि क्यों कोई इज्जत नहीं करता भाई, और कहाँ गलती हो रही है मुझसे। अपने जीवन को आप ही संवार सकते हो, कोई पड़ोसी ना मैं ना, या कोई कुछ नहीं करेगा भाई, मैं हूं या मेरी तरह कोई दूसरा यूट्यूबर है, वो बस आपको एक रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको ही पड़ेगा उस पर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको भाई ध्यान रखना ये चीजों का, कि भाई ध्यान रखो कि जब भी आप अकेले हैं तो अच्छे का अच्छे अभ्यास बनाओ, एक्सरसाइज करो। आप अकेले हो घर में, एक्सरसाइज करो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, हमारे ब्रह्मचर्य के वीडियोस देखो, कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखो भाई। मोबाइल का सदुपयोग करो यार, सदुपयोग करो, सत्तू सत्तू सदुपयोग बोलो, सदुपयोग करो। बाकी अब देखो रात में सो रहे हो, अच्छी चीजें देखो, जैसे मैंने अब जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, भैया देखो 1 घंटा पहले मोबाइल चलाना छोड़ दो। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मेरे साथ भी ये दिक्कतें हुई हैं, लेकिन मैंने सर्वाइव किया, आगे बढ़ा, अच्छे अच्छे मतलब ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए कि क्या ही मजा आ गया। मैं अपने अनुभव पर एक वीडियो लेकर आऊंगा ब्रह्मचर्य का, तो वो भी आपको बताऊंगा। अपनी कुछ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जीवन में परेशानियां तो है, मेरी भी है, कैसे मुकाबला कर रहा हूं उनका, बहुत टेंशन हो रहा है, अरे क्या करे साहब, तो क्या करूं भाई, मास्टरबेट कर लूं क्या, सुकून दे लूं वो झूठा सा वो इमेजिनेशन, ताकि वो एक बार करूं और फिर मैं उसमें जकड़ा जाऊं और फिर बर्बाद हो जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कोई रास्ता नहीं है अपने आपको प्लेजर सुकून देने का। अगर आपको अपने आपको सुकून देना है, रात में परेशान हो कुछ, थोड़ी देर शांति से बैठ के अपने इष्ट को ध्यान करो, थोड़ा ध्यान करो, मेडिटेट करो, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राकृतिक माहौल में जाओ, अकेले जाओ, बैठो उठो, लोगों को फेस करो, नए नए अभ्यास बनाते चलो, तभी इस आदत से बाहर निकल पाओगे मेरे भाई। अगर ये सोचते हो कि यार बस बैठ के बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, निकल जाऊंगा तो 4 दीवारी में रहकर सब कुछ हो जाएगा, बस ऐसे बिस्तर पर लेटे लेटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। नए अभ्यास बनाओ, चलो तुम हो 4 दीवारी के अंदर हो, नए अभ्यास बनाओ, मेहनत करो, बॉडी बनाओ, कुछ रीडिंग करो, अच्छे कंटेंट देखो, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देखो, सीखो, पढ़ाई करो, जिस समय हिलाते हो उस समय एक्सरसाइज करो, जिस समय हिलाते हो उस समय पढ़ाई करो, अपने इष्ट का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अध्यात्म में जुड़ो। आप जिस भी धर्म संप्रदाय जहां से भी है, अपने इष्ट को याद करें। गणेश जी का दिन चल रहा है, सारे विघ्न आपके हार लेंगे भाई, वो बस अब कोशिश करो, मत अब मत कहना ये कि 2025 जनवरी का इंतजार कर रहा हूं, बर्बादी पक्की है फिर तुम्हारी। मेरी बात समझ रहे हो? हमने जैसे चैलेंज दिया हुआ है, एक्सेप्ट करो, मेरे 100 डेज चैलेंज पड़ा है, 30 डेज के कितने चैलेंज दे चुका हूं, अभी 7, 15, 30 का चैलेंज दिया, एक्सेप्ट तो करिए, रोज वीडियोस देखिए, उस पर लिखिए डे 2 डे 3 डे 4, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इन दिन को काउंट करना बंद कर दीजिए, आगे बढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर मिलते हैं, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।